हरे कृष्णा, जय हिंद। भाइयों बहनों और मेरे प्यारे देशवासियों, जीवन में एक चीज़ होती है जो इसको चलाती है, वो है प्रेम। और हर प्रेम की कीमत होती है। शायद इसीलिए बहुत से लोग प्रेम करने से कतराते हैं, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी, कमिटमेंट इनसे डर जाते हैं। आजकल एक बहुत ही नीची गिरी हुई सोच चल रही है कि पॉलिटिशियन तो जो करते हैं ठीक है, बाकी जो जवानों का काम होता है वो मरना ही होता है, इसमें कोई अनोखी बात नहीं हो रही। इससे तो सारा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, जतिन दा, राम प्रसाद बिस्मिल, तात्या तोपे, मंगल पांडे, रानी झांसी, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब तो व्यर्थ में इनका जीवन चला गया। अगर ये ना होते तो आज हम भी अंग्रेजों की गुलामी कर रहे होते। तो अगर जवानों का मरना बेकार है, बेकार माने कि इन्हें तो मरना ही है, ये तो होते ही उसी नहीं, तो इस पर अफसोस कैसा है? मैं पूछना चाहूँगा, इतनी कम तनख्वाह में इतनी सख्त ड्यूटी देना और इनका कहना कि आपको कोई चोट नहीं पहुँचाएगा क्योंकि सीमा के हम प्रहरी हैं, हम किसी को आने नहीं देंगे। आदमी अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसे कोई बचा ले किसी बात से तो उसका एहसान मंद हो जाता है, और हम इतने बड़े त्याग को साइड में कर देते हैं। अगर आपके घर में या फार्म हाउस में कहीं भी आपने कोई डोमेस्टिक एनिमल पाला हुआ है, मैं चाहता नहीं हूँ पर ये मुझे एग्जांपल देना पड़ रहा है, और वो आपके एरिया की बहुत खूबसूरती से रक्षा करता है क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है, पड़ोस का घरवाला या वो पड़ोसी फार्म हाउस एक दिन गुस्से में आके उसको मार देता है जान से, और बेहाल करके उसका शव है वो फेंक देता है। अब जिसका वो कुत्ता था या डोमेस्टिक एनिमल था, जब उसे पता चलता है तो आप मुझे दिल पे हाथ रख के कहिए उसका क्या रिएक्शन होगा, क्या वो बदला नहीं लेगा? जब एक डोमेस्टिक एनिमल के बलिदान के पीछे आदमी इतना लड़ लेता है तो क्या हमारे जवान इनसे भी गए बीते हैं? उनका बलिदान कुछ नहीं है? इस सब बातों की फीलिंग, ये एक जज्बा है जो होगा तो ही फील होगा कि इन्होंने क्या करा है हमारे लिए। जिस पे जज्बा ही नहीं होगा वो क्या फील करेगा? ये मोहब्बत की बात है और कुछ नहीं। जो ये नहीं समझ पाए वो प्रेम जानते कहाँ हैं। प्रेम की कीमत होती है, और जो प्रेम करता है वो हंस हंस के चुकाता है। ऐसे ही हमारे जवान। ऐसे ही गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने 4 साहबजादों की शहादत दी थी, वो बेकार थी? उनका बलिदान बेकार था?
गुरु तेग बहादुर, जिनकी वजह से आज हिंदू कौम कायम है, गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी शहादत बेकार थी? प्लीज मंथन करिए, उत्तर अपने आप बाहर आ जाएगा। जय हिंद, राम भारत।